वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज अभी ना मामू और मुमानी आए हुए थे तो भाई ने मुझे लाकर दिया ये कोई कैंडी थी जो कि हम लोग बचपन में खाते थे, बहुत मज़े की थी, बंटिस टाइप बहुत खट्टी मीठी थी ना, तो अभी हम वो खा रहे हैं। साथ में हम लोगों ने चाय बिस्किट जो है ना वो खाए और स्नैकिंग वगैरह, बिकॉज मामू वगैरह की ना उन्होंने घर में पार्टी शार्टी की है सारे मामू ने, तो अभी जो है ना हम लोग यहाँ पर खाने के बाद नहीं टी टाइम के बाद कर रहे हैं यहाँ पर रबड़ी पार्टी। तो अभी भाई रबड़ी लेकर आए हैं यहाँ पर, अभी हम रबड़ी शबड़ी पियेंगे और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है रबड़ी, आप लोगों को पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड रबड़ी से याद आया कि मुझे भी रबड़ी दूध बनाना आता है, मैंने बहुत मज़े का बनाया था जब मामू वगैरह आए थे ना, तो तब हम लोगों ने रेसिपी बनाई थी मुहर्रम के लिए भी और साथ में दावत शावत के लिए भी, तो वो भी आप जाएं मेरे चैनल पर देखें। वो बाज़ार से भी मज़े की और हाइजीनिक किस्म की रबड़ी थी और बहुत लजीज थी। तो अभी हम लोगों ने लंच करने लगे हैं और लंच में आज हम लोगों ने बनाई है यहाँ पर मटन बिरयानी जो कि बहुत लजीज थी। ऊपर से यहाँ पर भाई जो है ना उसके ऊपर थोड़ा चाट मसाले का तड़का लगा रहे हैं क्योंकि एक तो पहले इतनी स्पाइसी थी, ऊपर से चाट मसाला डाल रहे हैं, तो अभी हम बिरयानी वगैरह इन्जॉय करते हैं। बहुत मज़े की बिरयानी थी लेकिन ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी क्योंकि मटन बिरयानी थी और इसमें जो ओवन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने बिरयानी शिरयानी खाने के बाद प्लान किया कि हम कावा पीते हैं और अभी जो है ना हम लोग बातें शातें कर रहे थे और भाई जो हैं वो बनाने लगे हैं कावा, तो वो काफ़ी देर से ग्रीन टी ढूंढ रहे थे लेकिन उनको ग्रीन टी नहीं मिल रही, तो उन्होंने अभी पानी तो रख दिया था ग्रीन टी का, तो अभी यहाँ पर प्लान चेंज हो गया था, तो अभी ना उन्होंने काफ़ी ढूंढा उनको ग्रीन टी नहीं मिल रही, तो अब उन्होंने सोचा कि चाय बना लेते हैं। तो अभी भाई जो है सबके लिए चाय बना रहे हैं और चाय पीते हैं बिकॉज़ थोड़ी जो है ना हम लोगों ने हैवी बिरयानी खा ली है और उसके बाद जो है ना एक तो गर्मी ऊपर से चाय, तो हम लोगों ने चाय वगैरह तो पी ली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ठंडी ड्रिंक बनाई जाए जो कि हेल्दी भी हो और जिससे वेट भी लॉस हो और जो है ना वो रिफ्रेशिंग भी हो। तो अभी मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, देन मैंने सोचा कि फ्रिज खोलते हैं और फिर कोई ना कोई आइडिया आ ही जाएगा। तो मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे एक तो मैंगो और दूसरा पीच, तो मैंने दोनों ही निकाल लिया। साथ में मामा ना अभी शॉपिंग वगैरह करके आई हैं, शॉपिंग नहीं मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आई हैं खाना पकाने के लिए, तो उनके साथ मामा मिंट लेकर आई हैं और इनका कुछ बनाते हैं। और यहाँ पर हम लोग शहतूत तोड़े थे दरख्त से और ये सारे काम करने के बाद जो है ना मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। यहाँ पर मैंने पुदीना ले लिया है जो कि मामा अभी सब्ज़ी के साथ लेकर आई हैं और मामा करेले वगैरह लेकर आई हैं, ये बनाएंगे कल परसों। और साथ में मेरे पास मैंने आपको बताया मैंगो पड़े हुए थे और कट थे, हम लोग वैसे ही खा रहे थे और यहाँ पर पीच है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पीच को वॉश कर लेते हैं अच्छे से। अच्छा आप जब भी फ्रूट्स वगैरह लिया करें ना उसको ज़रूर वॉश करके खाया करें बिकॉज़ उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव्स लगे होते हैं जो कि बहुत डेंजरस होते हैं हेल्थ के लिए और फ्रूट्स ख़राब ना हो, तो इसलिए उन लोगों ने उसके ऊपर लगा रखे होते हैं फ्रूट बेचने वालों ने। तो आप पहले उसे वॉश किया करें अच्छे से एंड देन उसको यूज़ किया करें। तो अब हमने क्या करना है अपने पीच को कट कर लेना और उसके बाद जो है ना मैं आज क्या बनाने लगी हूँ, मैं बनाने लगी हूँ पीच मार्गरीटा या पीच मोहितो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पीच को कट कर लेना है और यहाँ पर मैंने अपना पीच कट कर लिया है, इसकी सीड्स वगैरह अलहदा कर देंगे और उसके बाद इसको कट करके हम लोग अपने जूसर में ऐड करेंगे। देन हम लोगों के पास जो मैंगो पड़े हुए हैं उसके क्यूब्स बनाकर वो भी हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स लेंगे बिकॉज़ ये मार्गरीटा है, तो मतलब मेन फोकस जो है ना हमारे मिंट का होगा और ये बहुत मज़े की ड्रिंक होती है, इसके अलावा हेल्दी भी बहुत है, रिफ़्रेशिंग बहुत है, ठंडी ड्रिंक है और गर्मियों में मतलब आपको इतने मतलब डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रिंक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। अच्छा मैंगो डालो या नहीं डालो आपका या आपकी चॉइस है, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं मैंगो डालूँ तो मैं ही मैंगो डाल रही हूँ और इसके अंदर आप डिफरेंट फ्रूट्स डाल सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा लेमन डालेंगे तो उससे भी ना इसका टेस्ट और ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाएगा, तो आप लोग लेमन भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक और सजेशन दे सकती हूँ, आपके पास अगर सॉफ्ट ड्रिंक पड़ी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर, उससे भी इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी मैं जो है ना बहुत मिनिमल सा बना रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर पीचेस पड़े हुए थे, मैंगोज़ पड़े हुए थे, इसके अलावा मिंट पड़ा हुआ था और क्यूब्स आइस क्यूब्स थे। मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, इसको मैं आइस क्यूब्स के साथ बनाऊँगी, तो इसके अंदर सारे आइस क्यूब्स जो है ना वो डाल देते हैं और पानी जो है मैंने सिर्फ 1 सिप लेना है, 1 to 2 sips, ज़्यादा नहीं लेना, जस्ट फॉर द सेक के ये ग्राइंड हो जैसे से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसके अंदर आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं और ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद बस हमारा जो है ना स्मूदी रेडी है। इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ शुगर ऐड करनी है, इसके अलावा ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है, ब्लैक सॉल्ट से बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है आपकी स्मूदी के अंदर। सो इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर लेंगे जल्दी से, आपको क्लोजअप करके दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या डाला है इसके अंदर। पीचेस डाले हैं, मैंगोज डाले हैं, मिंट डाला है और मिंट डाले, अभी मिंट नहीं डाला, मिंट को पहले हम वॉश करेंगे अच्छे से और उसके बाद जो है ना
हम लोग जो है इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। मिंट को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो रेत होती है, तो इसको पहले आप वॉश करें एंड देन अपने खाने वगैरह में ऐड इन करें। सो मिंट मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना लेना है और आप लोगों को देख कर अंदाज़ा हो जाएगा। आप क्वान्टिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा मिंट, कम बना रहे हैं तो कम, इट्स अप टू यू। मैं अपने अंदाजे से ले लेती हूँ मैंने जितने मिनट लेने हैं और इसके बाद जो है ना इसको वॉश ऑन करते हैं और उसके बाद इसको अपनी जो है इस मोहीटो के अंदर ऐड इन कर लेते हैं। आई गेस इतने मिनट काफ़ी होंगे और मिनट जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, इसको आप खाया करें। एक तो इसकी तासीर ठंडी होती है, ठीक है, ऊपर से ये वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिंट जो है आपके डेली पार्ट्स जो खाने के होते हैं उसमें एक अहम रोल प्ले करता है और टेस्ट भी इन्हांस कर देता है आपके जो डिशेस होती हैं। इसके अलावा आपको मिंट के मज़ीद अगर मैं फ़वाद बताती चलूँ तो ये जो है ना आपके ट्रीट करता है इंडाइजेशन को, मतलब आपके जो डाइजेशन है ना उसको बेहतर बनाता है। इसके अलावा ये बॉवल सिंड्रोम से आपको रिलीफ देता है। इसके अलावा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर बनाता है, ओरल केयर में हेल्प करता है आपके। इसके अलावा ये आपके ब्रेन जो है ना उसको पावर बूस्ट करता है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस वगैरह से आपको रिलीफ देता है, डिप्रेशन वगैरह ख़त्म करता है मिंट से ना, और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मिंट के। तो इसके अलावा मैं आपको पीचेस के बताती चलूँ तो पीचेस जो है ना आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गुड होता है, अच्छा होता है। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को जो है ना ये भी सपोर्ट करता है, बूस्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा ये जो है ना स्किन को हेल्दी बनाता है। इसके अलावा ये आपकी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये जो है ना आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करता है। तो बातों बातों में इसको ग्राइंड करने लगी थी। ग्राइंड करने से पहले इसके अंदर हम शुगर ऐड इन कर लेते हैं। शुगर मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, 1.5 जो है ना टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। ब्लैक सॉल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कितना डाल रही हूँ, आप अपनी चॉइस के मुताबिक डालें। जस्ट फॉर द टेस्ट हम ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं इसके अंदर और ब्लैक सॉल्ट से भी आपकी जो है ना मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होता है। सो अभी मतलब ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत आप खा सकते हो, इससे आपकी जो है ना कॉन्स्टिपेशन वगैरह रिमूव होती है। तो अभी इसमें हम लोग ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी। उसके बाद हम लोगों ने 2 जो है ना सिप्स पानी लिया हुआ है वो डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हम लोग ऐसे पोर उठते घर में, हम लोग प्लान में आते हैं कहीं रात को घूमने चलते हैं, लेकिन भाई जो है हम बिजी हैं तो लेट्स सी कि हम लोग कहीं जाते हैं कि नहीं। और वैसे ना सुबह प्लान हो रहा था मामा और भाभी का अपने अपने मेके जाने का, और दोनों का मेका सेम है और बाकी मेरा ननिहाल है, तो मैं अपने नानों के घर जाने का प्लान था मेरा, उनका अपने मेके जाने का। सो लेट्स सी कि वो जो प्लान एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। दोनों जो है ना फ्रेश वगैरह होकर बैठ गई हैं, तैयार शैर होकर बैठ गई हैं, लेकिन अभी इनका ना डबल माइंड हो रहा है कि जाएँ कि नहीं जाएँ, या कहीं और चले जाएँ या फिर घर में एसी में आराम करें। और प्लान मेरे ख्याल में यही बना है कि एसी में आराम करना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना अभी जो है मैं सबके लिए रिफ्रेशिंग से ड्रिंक बनाती हूँ ताकि सबका मूड जो है बूस्ट हो जाए और उसके बाद वो अच्छे से फैसला करते हैं कि जाना है कि नहीं जाना। बाकी हम लोगों ने अभी एसी वगैरह तो चला लिया था और चाय मैं अभी वैसे ही रखकर आ गई हूँ, इतनी गर्मी में से चाय नहीं पी जा रही थी, तो पहले मैं ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीऊँगी और उसके बाद जो है ना चाय देखूँगी, अगर मेरा दिल किया तो चाय भी पी लूँगी। वैसे आज मेरा प्लान था यूनिवर्सिटी जाने का और थोड़ा सा शकुंतला वगैरह को मज़ीद एक्सप्लोर करने का, बिकॉज़ आजकल बड़ी हॉट टॉपिक चल रही है शकुंतला। एंड मैंने सुना है शकुंतला आजकल आज़ाद हुई पड़ी है, उसका दरवाज़ा जो है ना जो 100 साल से बंद था वो खुल चुका है, तो जाके देखते हैं किसी दिन के क्या मतलब वहाँ के हालात हैं। तो आज जो है ना मैंने वहाँ भी जाना था PGC, बिकॉज़ मैंने जो अपना इंटर है वो PGC से किया था और मैंने डिग्री लेनी थी अभी, क्योंकि जो सेकंड ईयर की डिग्री होती है वो आती है थोड़ी सी लेट, तो अभी शायद आ गई होगी, 4 साल गुजर चुके हैं, तो अभी यूनिवर्सिटी जाके मैंने अपनी डिग्री भी जो है वहाँ से लेनी है, कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको सो मेरा वो प्लान था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा जो प्लान है ना वो थोड़ा सा फ्लॉप हो गया और मैंने सोचा किसी और दिन चले जाएंगे। सो लेट्स सी मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ या भाई वगैरह के साथ जाती हूँ, बिकॉज़ मुझे यूनिवर्सिटी में और भी कुछ काम था अपनी फ्रेंड के साथ। सो मैंने यूनिवर्सिटी एक चक्कर लगाना है, तो साथ साथ मेरा फ्रेंड के साथ मीटअप भी हो जाएगा, बिकॉज काफ़ी दिन से हम लोग मिले नहीं हैं और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो गाइज़ आपके साथ बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला और मेरा यहाँ पर जो है ना मोहीटो, मिंट मोहीटो, पीच मोहीटो सॉरी, और साथ साथ पीच मार्गरिटा जो भी आप इसे कह सकते हो वो रेडी हो चुका है।
पीच जूस की भी रेसिपी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई थी, वो भी इंतहा दर्जे का मज़ेदार बना था। लेकिन अगर आपको मोहीटो पीने का दिल है या फिर मिंट मार्गरीटा पीने का दिल है तो उसके अंदर थोड़ा पीची टच ऐड करें और अपनी ड्रिंक को ना थोड़ा सा रोकी शोकी बनाएं और थोड़ा सा एस्थेटिक बनाएं। और यहाँ पर जो है मेरी ड्रिंक रेडी हो चुकी है, इसके थोड़े से मैं आपको शॉर्ट्स दिखा देती हूँ और उसके बाद जो है ना रिव्यू लेती हूँ घर वालों से कि उनको कैसा लगा, कि सिर्फ मुझे अच्छा लग रहा है या फिर उनको भी अच्छा लग रहा है। सो पहले जो है ना यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट्स वगैरह दिखा दी, आप रिव्यू लेते हैं। क्या बनाया आपने? पीच मार्गरीटा। वैसे शक्ल से तो अच्छा लग रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें एक पीच कलर भी है, थोड़ा सा येलोइश है और मेरे ख्याल आपने मैंगो भी ऐड किया है इसमें। यस। तो ये कॉकटेल टाइप बन गया और इसमें जो चंक्स आ रहे हैं हल्के हल्के जो डॉट्स हैं ये मिंट के भी लग रहे हैं। तो लेट मी चेक, जैसे कि मौसम आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्म मौसम में हम लोग रिफ्रेशिंग चीज़ें पीनी चाहिए ताकि जो गर्मी का असर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। एसी में तो मोस्टली हम लोग होते हैं लेकिन एसी के साथ साथ हमें अच्छे और ठंडे ठंडे बाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेट मी चेक हाउ द टेस्ट इज, तो मैं आपको पी के दिखाऊंगा। ओके, वेरी नाइस। टेस्ट बेसिकली थोड़ा सा मिंट मार्गरीटा जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्रूट्स का भी टेस्ट आ रहा है और एक बड़ा ही ऑथेंटिक और टेस्टी टेस्ट है इसका। तो यू शुड ट्राई, नाइस रेसिपी फॉलो करें जैसे कि आप लोगों को सिखाया गया और आप भी ट्राई करें, आप भी बहुत रिफ्रेशिंग फील करेंगे। सो गाइज, ये थी मेरी बहुत ही मज़ेदार की आज की रेसिपी, ड्रिंक या जो भी आप इसे कह सकते हैं, रेमेडी जो भी वट एवर। तो अभी मुझे रिव्यू भी बहुत अच्छे मिल चुके हैं, आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा बनता है मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा फीडबैक, बिकॉज ये जो है ना मैंने बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई है। बिकॉज अगर मेरे से कोई ख़राब चीज़ बनती है ना तो मैं बता देती हूँ, लेकिन ये सच में मज़े की बनी है तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, आप इसको घर पर ट्राई कीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो गाइज वट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जॉइन, डू लाइक comment and subscribe to my channel, do share my video and don't forget to press the bell icon. Inshallah we'll be right back with another exciting video. Tab tak apna bahut sara khayal rakho, kal milte hain, bye bye, take care, Allah Hafiz.